Hello students, I am Mukti Saha from Easy Learning Center and we are studying chapter 11 of science, that is Human Eye and the Colorful World. We have already completed the study about the human eye and now we are studying Colorful World. Colorful World के बारे में हम देख रहे हैं, जिसमें हमने last lecture में rainbow के बारे में study की. Now, today, again, one more interesting topic. देखते हैं क्या है वो. तो ये है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. द अर्थ एटमॉस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट. इट्स डेंसिटी गोज ऑन चेंजिंग एज वी मूव अप और डाउन. इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी कंसिस्टेड ऑफ लेयर्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज व्हिच एक्ट एज रेयरर और डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू दीज लेयर्स इज कॉल्ड एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन. पता चला नहीं पता चला? Many, many years ago in standard 9, you have already studied about the different spheres of atmosphere. Atmosphere ke different layer ke baare mein humne padha tha 9th standard mein. Yaad hai? Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, ionosphere. Padha tha na? Yaad aaya? To ye sab kya hai? To ye jo sphere hai, ye atmosphere ke different layers hai. उसमें ट्रोपोस्फियर सबसे नजदीक की, हमारे सबसे क्लोज, अर्थ के सबसे क्लोज वाला है ट्रोपोस्फियर. उसमें भी जितने भी गैसेस है, वो मैक्सिमम गैसेस अर्थ की ग्रेविटी की वजह से बहुत ही पास में है. तो हमारे आसपास एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है. जैसे ही हम थोड़ा थोड़ा ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे ये गैसेस का डेंसिटी कम होता जाता है. इसकी वजह से जैसे ही हम हिली रीजन में जाते हैं, माउंटेन रीजन में जाते हैं, तो अब एटमोस्फेयर में अपर साइड जाते जाते ये डेंसिटी कम होती जाती है. तो ये डेंसिटी का डिफरेंस हुआ ना, तो ये डिफरेंट डेंसिटी की वजह से रेयरर एंड डेंसर मीडियम बनते जाते हैं एटमोस्फेयर में, और वो क्या करते हैं, लाइट का रिफ्रैक्शन. ओके, तो इसके बेस पे बहुत सारी फिनोमिना बनी हुई है ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो डेली लाइफ में हम फील करते हैं. और वो क्या है, कैसे क्रिएट होती है, वो आज हम देखेंगे. फर्स्ट है इसमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. आप बोलोगे मैम हम तो छोटे थे तब से हमने सीखा था, वो पोएम थी ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. तो स्टार्स तो पहले से ही बाय बर्थ ट्विंकल करते हैं. भाई आपके बर्थ से आपने सुना था, लेकिन स्टार्स आर नॉट ट्विंकलिंग एट ऑल, बट वी आर ऑब्जर्विंग इट एज ट्विंकलिंग. तो स्टार्स का जो ट्विंकलिंग है वो किस वजह से है, क्यों है, वो आज आपको राज पता चल जाएगा. The twinkling of stars is due to atmospheric refraction of starlight. As the light from the star enters the Earth's atmosphere, it undergoes refraction due to varying optical densities of air at various altitudes. The continuously changing atmosphere refracts the light by different amounts. In this way, the starlight reaching our eyes increases and decreases continuously, and the stars appear to be twinkle at night. और हमें लगता है कि बेचारे stars twinkling कर रहे हैं. Actually, ये कैसे होता है? ये होता है due to atmospheric refraction. क्योंकि हमारा Earth का atmosphere different layers form करता है, जिसकी density different है. इसकी वजह से light जो star में से आती है, वो रिफ्रैक्ट हो होके हमारे पास पहुंचती है. तो मल्टीपल रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि लाइट तो कंटिन्यूअसली आती ही रहती है. एक लाइट आई हमारी आंख में गई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, और उनका वेरिएशन इंक्रीज एंड डिक्रीज होता रहता है. इसकी वजह से कंटिन्यूअसली हमें ऐसा लगता है कि स्टार्स आर ट्विंकलिंग. ओके, तो ये किसकी वजह से है, स्टार्स की वजह से नहीं, बट ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन. क्लियर हो गई बात? ओके, तो आज के लिए दूसरे टॉपिक आएंगे, लेकिन इस लेक्चर के लिए इतना ही. अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ लेना. इसके साथ मैं एनिमेटेड वीडियो भी आपको भेज दूंगी. ओके, टिल देन टाटा बाय बाय.